कर्णिका में दो जो गाने आने वाले, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा बताइए उस गानों के बारे में कि किस तरह के गाने हैं और कैसे आए आपके पास, कैसे अप्रोच किया गया आपको उस गाने के लिए। सबसे पहले तो दोनों गानों के बारे में यही बताना चाहती हूँ दैट एक गाना है जिसका नाम है राजा जी एंड द अदर सॉन्ग इज कॉल्ड टक टकी। राजा जी रोमांटिक है जो कि रानी और राजा के साथ में इस फिल्म में सिर्फ एक ही रोमांटिक सॉन्ग है तो वो है राजा जी एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग विद नाइस बीट्स एंड वेरी ब्यूटीफुली कंपोज्ड बाय नन अदर दैन शंकर अहसान लॉय। एंड उसके अलावा एक गाना है टक टकी विच हैज़ बीन संग इन अ वेरी डिफरेंट नोट ताकि उस गाने का वो फील प्रॉपर आ सके बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अ लोरी। तो दोनों गाने एक दूसरे से बहुत अलग हैं लेकिन बहुत ही खूबसूरत गाने हैं और मैं बहुत अपने आप को लकी मान रही हूँ क्योंकि मुझे इतने बड़े प्रोजेक्ट में दो गाने मिले हैं। तो आई एम रियली थैंकफुल टू शंकर अहसान लॉय सर। और ये एक्चुअली जब गाने के लिए मुझे बुलाया गया था तब मुझे पता नहीं था कि दो गाने हैं, तब मुझे सिर्फ राजा जी के लिए बुलाया गया था, तब मैंने वो सीखा एंड देन वो गाना होने के बाद में दे वर वेरी हैप्पी और उन्होंने बोला कि ये गाना और करना है। सो दिस इज हाउ आई गॉट द सॉन्ग्स। ओके, कंगना ने सुना ये गाना, क्या रिएक्शन था, क्या कॉम्प्लीमेंट दिए, मतलब कुछ बात हुई उनसे, अगर कुछ शेयर करना चाहे कुछ बात। उनसे मेरी मुलाकात दो बार हुई थी, एक बार ट्रेलर लॉन्च पे जब मैं गई थी तो उनसे मुलाकात भी हुई थी एंड शंकर जी ने मुझे उनसे मिलवाया भी था। सो उन्होंने जब बताया कि दिस इज़ द गर्ल हू सैंग राजा जी तो वो बहुत खुश हुई एंड शी वॉज लाइक दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स इन द एल्बम। तो बहुत खुशी हुई ये सुनकर और इसका एंटायरली जो श्रेय है वो एब्सोल्युटली कंपोजर्स को जाता है क्योंकि इतनी अच्छी ट्यून उन्होंने बनाई। आई रियली फील लकी दैट आई हैव संग दिस सॉन्ग। Your look, you know, the moment I saw you, the moment I entered, you know, before we started, your look give me a feel, you look like a more of an actor than a singer. How you become a part of music industry, that one, little in detail, you know, how you started? Well, I'll take it as a compliment that I look like an actress. मैं तो शुरू से ही एक सिंगर थी और अभी भी सिंगर ही हूँ and I pray to God that I be the singer first always in my life and then anything else comes up. I am an actor also, but मैं theater में acting करती हूँ, otherwise singing के अलावा मुझे नहीं लगता कि मुझसे बहुत ज़्यादा कुछ हो पाएगा। तो singing का career शुरू हुआ, actually बचपन से ही singer बनना था और singing में पढ़ाई भी की है, music में ही पढ़ाई की है and then I came to Mumbai in 2008 for Saregama और उसमें मेरे mentor शंकर जी ही थे। तो दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड माई जर्नी एंड हियर आई एम टूडे। मणिकर्णिका इज़ अ वेरी बिग प्रोजेक्ट इन माई करियर टिल नाउ, सो आई एम रियली होपिंग यहाँ से चीज़ें बहुत अलग दिशा में शायद जाती हुई दिख रही हूँ। देखिए, मैंने आपको पहचान लिया कि आप थिएटर भी करते हैं। मैं जाना चाहूँगा, एक ब्रीफ होता है जब आप इतनी बड़ी फिल्म का हिस्सा बनते हैं, एक कंपोजर का ब्रीफ होता है कि हम ये सिचुएशन में होगी या इस जगह ये गाना पिक्चराइज होने वाला है, उस वक्त क्या ब्रीफ था, क्या बताया गया था आपको? क्योंकि जब मैं इतनी बड़ी फिल्म की बात करता हूँ तो फिर वो उस किरदारों को जहन में रख के गाना होता है। मुझे एक ही चीज़ बोली गई थी राजा जी के लिए स्पेशली कि राजा जी एक ही रोमांटिक सॉन्ग है इस फिल्म में, इसके अलावा बाकी सारे गाने एकदम पेट्रियाटिज़म से भरे हुए हैं। तो बेसिकली राजा जी के लिए मुझे एक ब्रीफ दिया गया था कि यू हैव टू सिंग वेरी हैप्पीली क्योंकि वो अभी अभी शादी होकर घर आए हैं रानी लक्ष्मीबाई एंड इट्स हर वेरी ब्यूटीफुल टाइम विद हर हस्बैंड। तो दिस वाज द ब्रीफ दैट आई हैव टू सिंग वेरी हैप्पीली एंड वेरी जॉली, तो आई हैव ट्राइड टू डू दैट। उसके अलावा टकटकी के लिए मुझे एक ब्रीफ दिया गया था कि क्योंकि ये या तो अपने पति के लिए भी गा सकते हैं या बच्चे के लिए भी गा सकते हैं, इट्स काइंड ऑफ अ ललबाय, तो उसके लिए उसका एक स्केल भी अलग रखा गया है, उसे लो स्केल में रखा गया है। सो बोथ द सॉन्ग्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बट वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग्स।
क्या ये मदद करता है जब आप ऑलरेडी थिएटर आर्टिस्ट हैं, आप थिएटर करते हैं, और जब इस तरह से एक कंपोजर आपको ब्रीफ करता है कि आज बड़ा खुशी का दिन है, शी गॉट मैरिड, वो नजर आना चाहिए आपकी गायकी में, आपके एनर्जी लेवल में, वो कितना मदद करता है बीइंग एन एक्ट्रेस फ्रॉम थिएटर? वेदर यू आर एन एक्ट्रेस और नॉट, आई थिंक एक सिंगर वैसे ही बहुत बड़ा एक्टर होता है, बिकॉज सिंगर्स हमेशा प्लेबैक करते हैं, तो प्लेबैक के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको एक्सप्रेसिव होना पड़ेगा अपनी सिंगिंग के थ्रू, क्योंकि एक्टर्स लिप सिंग कर रहे होते हैं पर एक्चुअली गाने के साथ में इमोशंस जो डालते हैं सिंगिंग में वो सिंगर्स ही होते हैं. तो आई फील सिंगर्स आर ऑलवेज एक्टर्स क्योंकि वो एक्टिंग करते हैं गाने में, सो दैट एक्टर उसको उस तरह से निभा भी पाए. तो आई नेवर फेल्ट एनी, जब तक मैं थिएटर की एक्टर नहीं भी थी या थिएटर आर्टिस्ट नहीं भी थी, तब भी गाने के लिए यू ऑलवेज हैव टू फील द सॉन्ग, यू हैव टू फील द सिचुएशन. तो मुझे लगता है कि और एक्टर बनने के बाद में ऑफकोर्स ये आपको हेल्प भी करता है आपके सिंगिंग में भी, बट नहीं भी है एक्टर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको पूरी तरह से आप निभा नहीं सकते. म्यूजिक को भी बड़ा सराहा जा रहा है अब तक, जितना भी फिल्म रिलीज की कगार पे है और जितना भी अब तक म्यूजिकली बाहर आया है, टीजर बाहर आया है, ट्रेलर बाहर आया है, फिल्म को लेकर बहुत पॉजिटिव वाइब्स है. Are you nervous or excited? Both. nervous भी हूँ of course, क्योंकि मणिकर्णिका एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि पूरा इंडिया उनके बारे में, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बचपन से आज तक पढ़ते आए हैं, एंड उनकी जो एक इमेज है हमारे दिमाग में, शी वॉज द फर्स्ट ट्रू हीरो इन फीमेल की अगर बात की जाए, कि हमारी भारत की आज़ादी की पहली क्रांति थी वो, तो शी फॉट फॉर द नेशन. तो आई थिंक वो एक जो हीरोइज्म है झांसी की रानी में, तो उनके लिए गाना एक बहुत बड़ी मेरे लिए गौरव की बात है कि मैंने झांसी की रानी के लिए अपनी आवाज़ दी है. फिर उसके बाद में अगर बात करें कि कंगना जी ने कितना अच्छा उसमें अभिनय किया होगा, वो तो हमने ट्रेलर में देखा ही है, और अब वेट कर रहे हैं कि लोग भी इसको देखें, दैट हाउ वेल शी हैज डन. आई एम प्रिटी श्योर कि लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि ये बहुत ही ऐतिहासिक सब्जेक्ट है जिसे हम सबको सपोर्ट भी करना चाहिए, और क्योंकि ये हमारे सेंटिमेंट से जुड़े हुए हैं एक, तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट बट अ लिटिल नर्वस. ये भी बड़े गौरव की बात है, गर्व की बात है कि राष्ट्रपिता ने खुद फिल्म देखी, उनसे कितनी हौसला अफजाई होती है जब इस तरह से फिल्म एक अलग लेवल पे चली जाती है, जब जहाँ देश इन्वॉल्व हो जाता है, जहाँ देश से जुड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं. राष्ट्रपिता की मैं बात करूँ, गोविंद साहब ने भी देखी थी. इसके बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि देश की तो बात है ही, क्योंकि देश के ऊपर तो मूवी है कि मैं रहूँ या ना रहूँ भारत ये रहना चाहिए. तो जब ये फिल्म ही इस बारे में है कि हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए ये जो संघर्ष किया गया था, पहला संघर्ष, तो उसके लिए उन्होंने उन्होंने जो भी युद्ध किया, जो भी लड़ाइयाँ लड़ी और अपनी जान गंवा दी, तो आई एम श्योर कि जब वहाँ से भी बहुत ही अच्छे हमें वो मिले हैं, बेस्ट विशेज मिले हैं कि हमारी मूवी ये बहुत अच्छा काम करे, और डेफिनेटली राष्ट्रपति जी से भी बहुत अच्छे हमें बेस्ट विशेज मिले हैं, सो दैट इट गोज वेरी वेल. कोई एक फीमेल एक्ट्रेस जिसके लिए आप उसके लिए प्लेबैक करना चाहें और म्यूजिक डायरेक्टर यू वांट टू वर्क विद? ये सवाल का तो मैं जवाब बिल्कुल दे ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि ऐसा कोई म्यूजिक डायरेक्टर नहीं है जिसके लिए मैं गाना नहीं चाहती हूँ. मैं इस मामले में बहुत आई थिंक सब मेरे धीरे धीरे एक एक करके मेरी विश पूरी होती जा रही है, एंड आई वॉन्ट टू कीप इट वेरी सीक्रेट, सो आई डोंट वॉन्ट टू रिवील एनी थिंग. पर मेरे लिस्ट में हर म्यूजिक डायरेक्टर का नाम है, और उनमें से क्योंकि म्यूजिक म्यूजिक ही होता है, आई लव एवरी काइंड ऑफ म्यूजिक. और अगर एक्ट्रेसेस की बात करें तो मुझे दीपिका पादुकोण बहुत पसंद है, प्रियंका चोपड़ा बहुत पसंद है, और बहुत सारी, कंगना रनावत वॉज वन ऑफ माई फेवरेट्स, तो उनके लिए तो गा ही लिया है. सो आई एम वेटिंग फॉर द फ्यूचर कि उनके लिए भी जल्दी जल्दी गाने का मौका मिले. फाइनली अगर दो लाइनें गुनगुना दें अपने गाने की हमारी ऑडियंस के लिए, तो आई स्टार्ट विद राजा जी. राइट. ओ राजा जी, ओ
महाराजा जी नैना चुकल खोर राजा जी, ओ महाराजा जी नैना चुकल खोर राजा जी, मन की रुंझुन छुप ना पाए, मन की रुंझुन छुप ना पाए, खनक खनक खनके नैना, बड़ी अजब है प्रीत रीत की, बिन बोले सब कुछ कहना, कुनकुनी सी धूप बिखरे, हो कुनकुनी सी धूप बिखरी जाए रे मनवा कुह कुह बारे रे, ओ राजा जी महाराजा जी राजा जी राजा जी नैना चुगल खोर राजा जी। थैंक यू। अगर मणिकर्णिका की बात करें, हर लड़की हर लड़के की लाइफ में वो इंस्पिरेशन है, अगर ऐसी कोई चीज आपके लाइफ में अगर आपको अडेप्ट करनी हो मणिकर्णिका में से, झांसी की रानी में से, तो वो कौन सी होगी? मणिकर्णिका से अगर कोई अपनी जिंदगी में उतारने के लिए अगर मुझे कोई एक चीज चाहिए वो उनका साहस चाहिए, जो साहस उनमें था। मुझे लगता है कि अगर हर इंसान में, हर भारतीय में वो साहस हो तो तब क्या अभी भी और तब क्या उसके पहले क्या कभी भी गुलामी छू ही नहीं सकती है। तो वो साहस मैं ज़रूर चाहती हूँ कि हमारे हर लड़की और हर भारतीय में हो। जब आपने पहली बार सुना कि कंगना एज रानी लक्ष्मीबाई, कितना प्राउड फील किया आपने और क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कंगना भी बेबाकी से बात करती है, सबके सामने अपने विचार रखती है, तो ये कास्टिंग कैसी लगी आपको? मुझे लगता है कि उनसे बेहतर झांसी की रानी हमें नहीं मिल सकती थी, क्योंकि वो इतनी बेबाक है। जैसे मैंने कहा कि साहसी जो एक इंसान होता है वो कुछ भी करने के लिए भिड़ जाता है, वो सोचता नहीं आगे पीछे की। तो आई थिंक कंगना जी इज द मोस्ट सूटेबल फॉर दिस रोल, क्योंकि वो जितनी ही बेबाक है उतनी ही साहसी है, उतनी ही उनमें किसी चीज के लिए डर नहीं है। तो आई थिंक शी इज द बेस्ट चॉइस फॉर दिस। एंड व्हेन आई गॉट टू नो दैट शी इज प्लेइंग मणिकर्णिका, सो आई वाज वेरी हैप्पी। राइट। अगर सिंगिंग की बात करें तो बहुत सारे सिंगर्स हैं जो आजकल गाने को रिक्रिएट कर रहे हैं, तो एज अ सिंगर आपका व्यू जानना चाहूंगा, क्या ये सही है कि गाने को रिक्रिएट किया जाना चाहिए या फिर ओरिजिनल को ऐसे? गाने को रिक्रिएट करने में कोई गलत बात नहीं है, अच्छा ही है, लोगों को पता चल रहे हैं। लेकिन उससे एक चीज मुझे ऐसा, ये मेरा बहुत पर्सनल मानना है कि जो पुराने गाने रिक्रिएट होने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ रिक्रिएशन रह जाए, क्योंकि नए गाने जब तक आएंगे ही नहीं तो लोगों का म्यूजिक खत्म हो जाएगा, इस तरह कुछ क्रिएटिविटी नहीं बचेगी। तो मुझे लगता है कि पुराने गाने आना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बट हम वो गाने ऑलरेडी जानते हैं, सुन रहे हैं, वो ऑलरेडी हिट सॉन्ग्स हैं हमारे इंडस्ट्री के, उनसे हमारा बॉलीवुड बना है। लेकिन अगर आज हम नए गाने बनाकर बॉलीवुड को नहीं देंगे तो हमारे 20 साल आगे वाले पीढ़ी को नए गाने मिलेंगे ही नहीं, मतलब कुछ क्रिएटिव नहीं मिलेगा। तो आई थिंक 20% तक ठीक है, पर अगर ये 80% तक आ जाएगा तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा गलत होगा। क्रिएटिविटी के साथ में, क्रिएशन के साथ में, बॉलीवुड के साथ में तो बहुत ज़रूरी है कि नया क्रिएशन जो है, जो नया म्यूजिक है वो आते रहना चाहिए, और पुराने गाने तो ऑलवेज वेलकम। राइट। जैसे आपने कहा कि आप एक्टिंग भी करती है, थिएटर किया, तो क्या इन फ्यूचर आपको हम देखेंगे किसी म्यूजिक वीडियो में? क्योंकि बहुत सारे सिंगर्स फीचर भी कर रहे हैं म्यूजिक वीडियो में, तो अगर ऐसा कोई आशा हो आपकी, अगर आपको शेयर करना चाहे। म्यूजिक वीडियो तो हम सोचते ही रह गए अभी तक करने के लिए, और थिएटर कर रही हूँ, एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, भूले आजम प्ले है म्यूजिकल, तो उसमें आई एम वन ऑफ द एक्टर्स हु सिंग्स लाइव आल्सो, तो उसका एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा। और जैसे कि आप बोल रहे हैं कि म्यूजिक वीडियो में ऑफ कोर्स दिखेंगे, मुझे बड़ा शौक है म्यूजिक वीडियो में गाते हुए एक्टिंग करने का, तो डेफिनेटली आप देखेंगे मुझे म्यूजिक वीडियो में भी। एनी फ्यूचर प्रोजेक्ट यू वांट टू? देर आर फ्यू थिंग्स दैट आई एम प्लानिंग फॉर अ गजल एल्बम
बिकॉज मुझे गज़लों में बहुत रुचि है, बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं गज़लें और ठुमरीज बहुत गाना पसंद करती हूँ। अगर मुझसे कोई ये पूछे कि बॉलीवुड के अलावा आप क्या गाते हैं, तो मुझे लगता है पुराने गाने, गज़लें एंड ठुमरीज मुझे बहुत पसंद है। तो गज़लों का एक एल्बम मैं प्लान कर रही हूँ, तो उसमें काम चल ही रहा है, तो होपफुली बहुत जल्दी आ जाएगा वो भी बाहर।